सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में कार के इंटीरियर के रिलेटेड है, जो कि मुझे अपग्रेड कराना है। अपग्रेड मींस थोड़ा कस्टमाइज़ कराना है। तो आपको बताता हूँ मैं कौन सा क्या कराना है। एक्चुअली आज दो तीन एक चीज़ मैंने और किया है, अब देखते हो आपको पसंद आता है कि नहीं। एंड इंटीरियर का भी बताता हूँ कौन सा क्या कराना है। सो लेट्स गो आगे का। पहले मैं फ्रंट का बताता हूँ मैंने क्या चेंजेस किया आज। सो ये छोटा सा चेंज किया है, जो कि आप ब्लैक देख रहे हो, जो नंबर प्लेट के बॉक्स के बराबर उतना ब्लैक किया है मैंने। सो उसका ऐसा कुछ आ रहा है, उसका अच्छा लुक आ रहा है मतलब। एंड बाकी बाहर से का तो उतना ही किया है, एंड अंदर का मैं आपको बताता हूँ क्या काम कराना है। एंड थोड़ा बाहर का भी है वो भी बताता हूँ। सो एक्चुअली जो हमने ये पिलर, उसका मैंने व्लॉग नहीं बना था, जो पिलर थे, ये पिलर मुझे ग्लॉसी ब्लैक में कराना है, पूरा पियानो फिनिश में। जो ये फिनिश है पियानो फिनिश, सेम फिनिश में मुझे दोनों पिलर कराना है। तो उसके लिए वो मैंने निकाल दिया अभी, उसको मैंने ऑलरेडी ब्लैक किया था, बट वो जो मैट में था मैं स्प्रे पेंट से किया था, तो उतना अच्छा फिनिश नहीं आया। तो उसको प्लेन कराना पड़ेगा पहले, लाओ जो भी उनका पेंटर लोग करे थे, लांबी पुट्टी सब भर के फिर उनको पेंट करेंगे वो, क्योंकि वो पूरा प्लेन आना चाहिए, प्लेन फिनिश आना चाहिए उस पर उसलिए। एंड ये दो किया है, ये दो किया है, इसको तो ये नहीं कराना मुझे, बट ये सारा गंदा बहुत हो गया, इसको क्लीन कराना पड़ेगा। ब्लैक करा सकते इसको मैट में, बट सीन क्या होगा, पीछे का भी कराना पड़ेगा, तो देखते हो कैसा है। एंड ये भी कराना है मुझे, एक्चुअली ये घर पे किया था मैंने स्प्रे पेंट से, बट ये देखो पिन होल्स देख रहे कितने, एंड फिनिश भी प्रॉपर नहीं है। तो इसको भी दोनों दोनों साइड को, इसको निकाल के उसको निकाल के बताए देसी, ये दो है। एंड सोच रहा हूँ ये ग्रिल भी लेके जाओ, ग्रिल का जो ऊपर का पोर्शन है वो कराना है, बताता हूँ आपको मैं कौन सा पोर्शन है। तो ये देखो ये जो ब्लैक में है ना, वो एक्चुअली मैंने स्प्रे पेंट से कराया था, बट वो इतना अच्छा नहीं आया, तो अभी उसको भी कराएंगे प्रॉपर ग्लॉस में। बाकी तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, बस वो दो चीज़ है, वो है ना अपना ये। तो भी इसको भी निकाल लेते हैं धीरे, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे निकालना है। सो एक्चुअली इसको निकालने का एक ट्रिक है, एक्चुअली पहले निकाला था मैंने, बट वो जो अगर ये एक बार निकाले तो ये एक्चुअली रिप्लेस ही करना पड़ता है न्यू, बिकॉज उसका क्लिप टूट ही जाता है वो। सो ये प्रेस करना है अंदर हमें, ये जो भी इसका सर्कल है वो प्रेस करना है। सो ये एक पूरा आता है, सो ये निकल जाएगा। मैंने एक्चुअली डबल टेप मारा है, तो मैं अभी निकालने के बाद आपको बता, नहीं एक सेकेंड बता ही देता हूँ कैसे निकालना। क्लिप टूट गया है, देखते क्या प्रॉब्लम, कैसे फिट होगा वो, बेसिकली चिपकाना ही पड़ेगा मुझे। बेसिकली मैं ये भी, ये जो है क्या अभी मैं उसको बोलना भूल गया, इसको भी करने वाला हूँ सेम ग्लॉसी में। तो चारों निकाल के लेते हैं, पहले यहाँ पे जो स्क्रू है वो उठाता है, देन उसके बाद निकालने के बाद ही दोनों, मतलब चारों पीछे के भी, तो फिर ये पूरा, सो ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक में हो जाएगा, एंड थोड़ा लुक भी अच्छा आएगा। चलो अभी निकालते हैं उसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली सब मैंने उतार दिया है नीचे। सो ये इतने सब पार्ट्स है, तो अभी हमें क्या करना है, एक्चुअली इसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा स्मूथ करने के लिए, तो वही पॉलिश पेपर लेने जा रहा हूँ मैं हार्डवेयर से,
लेके फिर डायरेक्ट फिर पेंटिंग को लेके जाएंगे। सो इतना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीस है टोटल। एंड ग्रिल का जाने दो, ग्रिल इतना वो दिख के नहीं आता। एक्चुअली मुझे ये भी कराना था, ये वाला पार्ट, बट उसके लिए पूरा डोर पैनल ओपन करना पड़ेगा, फिर वो निकलता, फिर उतना मुझे खोलना नहीं है कार, क्योंकि एक बार जो डोर पैनल खुल गए ना गाड़ी के, तो उतने जो कंपनी फिटेड रहते हैं ना फिटिंग, तो प्रॉपर नहीं आती, तो उसकी वजह से मुझे हाथ नहीं लगाना। एंड कभी ड्राइविंग के टाइम उसमें वाइब्रेशन भी आना चालू हो जाता है, सो फिर वो कैंसिल कर देते। तो ये इतना कर लेते, तो अपन एक बार हार्डवेयर से पॉलिश पेपर लेके आता हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये डे टू है, कल का एक दिन छोड़ के पार्ट्स पेंटिंग को दिए है, वो क्या मालूम आज मिलते हैं या नहीं, दो दिन बोले थे उन लोग ने, पर मुझे ऐसा लग रहा नहीं कि मिलेंगे। तो और एक का भी मतलब मेरे पुणे के 2-3 सब्सक्राइबर है, तो उनको आज कार देखनी थी, तो वो पुणे से एक्चुअली उनको वाशी में कुछ तो काम था, कल ही आए थे, तो आज मुझे उन 2-3 बार फ़ोन किया था, तो उनको गाड़ी देखना था, तो इतने दूर से आए बोला तो मेरे को जाना पड़ रहा है, बट ठीक है कोई नहीं, जाते हैं। तो एक्चुअली गाड़ी के पार्ट्स लगे हुए नहीं, तो मुझे उसको निकालने को कैसे तो लग रहा है, तो आपको दिखाता हूँ एक बार। तो फिलहाल तो मुझे ऐसी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, ये तो ठीक है इतना चल जाता है, बट ये बहुत गंदा दिख रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन ख़राब दिख जाए गाड़ी का फिर, बट ठीक है, जब उनको देखना ही है, अभी कुछ कर तो नहीं सकते, बट चलो अभी निकलते हैं। अभी कलंबोली मैगडी जाना है मेरे को, वैसे भी एक काम भी है मैगडी में, सॉरी कलंबोली में, तो फिर वो भी काम कर लेंगे हम, आते आते जो पार्ट्स पेंटिंग को डाले। बेसिकली अभी पूरा पेंटिंग हो गया है एंड अभी खाली उसका थोड़ा 15-20 मिनट सूखने देते हैं, बाद में फिर गाड़ी में डाल देंगे उसको। फिनिशिंग बहुत अच्छा है ये, अभी आपको दिखाऊंगा कैसा अंदर फिट, पहले उसके पहले हम लोग उस पर ग्रेफाइट कोटिंग करेंगे, बिकॉज ग्लॉसी है तो उसमें स्क्रैचेस भी उसका बहुत डर रहता है, अगर मेरे पीपीएफ भी पड़ा है, अगर हो सके तो इंटीरियर के इसमें पीपीएफ मार देंगे, फिर उसका कुछ टेंशन ही नहीं, देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। सो अभी इसका फिनिशिंग देख लो आप, देखो एक्चुअली उसने स्पार्कल वाला, मतलब जिसके अंदर स्पार्कल आता है ना, वो उसने पेंट, मैंने एक्चुअली उनको बोला था मेरे को डीप ब्लैक पे चाहिए था, बट अभी ठीक है स्पार्कल है उसके अंदर, मतलब चमकता है ऐसा। सो मेन बात तो ये है, इसकी फिनिश देखो आप अंदर का, स्पार्कल है एंड पूरा प्लेन फिनिश है, इसको हम लोग ग्रेफाइन करते हैं। सूख तो गया है प्रॉपर, इसको नीड है ग्रेफाइट कोटिंग के, क्योंकि उसको स्क्रैच आ जाएंगे, फटक से दिख जाएंगे। चलो अभी वो ही करते हैं, अगर एक्चुअली रात हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कल ही करूँ, बट करके रख देंगे, फिर सुबह डायरेक्ट फिटिंग करेंगे इसके। तो बेसिकली अंदर का तो मैंने पूरा ये कर दिया है, सो ये जो फिनिश आई वैसे कुछ आई है। सो अभी रात में तो इतना जस्टिस नहीं होगी, दिन में
बहुत मस्त लुक आ रहा है कार में। जो भी ये ऐसा हुआ है ये फिनिश में है। तो अभी सुबह भी आपको बताऊंगा, मड फ्लैप भी लगाना है, मड फ्लैप सुबह ही लगाएंगे, अभी लेट हो गया। ये दोनों पिलर लगाते लगाते हालत ख़राब हो गई है, और बाहर के भी ये लगा दिए। बाहर से देखो लुक, अभी इतना कुछ जस्टिस नहीं होगा। ये एक है, ये भी प्रॉपर ग्लॉसी में हो गए, मड फ्लैप आना बाकी है, एंड वहाँ का भी हो गया। एक सेकेंड, वहाँ का भी बता देता हूँ। सो ये साइड का ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखो, तो ऐसा कुछ है लुक। अभी मॉर्निंग सुबह का लुक भी आपको बताऊंगा, बट कल ही हो, अभी तो रात में इतना कुछ दिखेगा नहीं आपको। सो चलो अभी डायरेक्ट सुबह मिलते हैं। मॉर्निंग व्यू दिखाने आया हूँ, अभी अंदर से कैसे दिखते हैं तो बाहर का देख ले एक बार। ये एक है मड फ्लैप, प्रॉपर हो गए, एंड पीछे का देखो ये अभी पूरा एक जैसा मैच हो रहा है। अभी थोड़ा अंदर, मतलब बैक साइड है ना उसके, भी थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, एंड अंधेरे का मैं आपको बताता हूँ। सो ये देखो, सो ये ऐसा कुछ लुक है अंदर से, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही मस्त लुक आ रहा है। ये तो अभी तो पूरा मतलब पूरी रोशनी नहीं है अभी तक, धूप सन निकला नहीं है आज, क्या मालूम क्या है ना हो तो बच के, फिर भी देखते हैं। सो ऐसा कुछ लुक है। सो ऐसा कुछ लुक आ रहा है दिन में, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, कुछ अलग दिख रहा है गाड़ी में। अभी ड्राइव करते वक्त भी मुझे कुछ अलग ही लग रही है गाड़ी, थोड़ा अभी न्यू है ना, बट बहुत सही लग रहा है। एक बार पीछे से बताता हूँ बैठ के, मतलब कुछ अलग दिख रहा है, कुछ किया है प्रॉपरली लग रहा है। अभी इसका तो आज तो मतलब सन निकला नहीं है, इतना धूप भी नहीं है, जो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा इसका कैसा है, बट इसमें भी प्रॉपर ही आ रहा है। थोड़ा और उजाला आएगा तो थोड़ा और क्लियर दिखेगा, बट ठीक है, यही था दिखाना अपना ये ब्लॉग में। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, होप सो आपको अच्छी लगे। एक बार पीछे का लुक भी देख लेना एक बार, दिख रहे हो पूरा एक पट्टा नीचे का, जो भी डिफ्यूजर के साथ मैच हो रहा है पूरा अभी। सो नीट एंड क्लीन दिख रहा है अभी, पहले वो कैसा था मैट में था, एंड मैट में पूरा वो ये हो गया था, अभी ये पूरा प्रॉपर ग्लॉसी हो गया। सो बस यही था, होप्स आपको अच्छा लगा हो, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।